हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी कुछ चुस्ती और फुर्ती के साथ। उत्तराखंड की मिक्स दाल ढाबे से भी ज्यादा स्वादिष्ट। चलिए बनाते हैं। 100 ग्राम यहाँ पहाड़ी गहत ले लिए और 100 ग्राम मैंने चने भी ले लिए हैं। 100 ग्राम के करीब हरी मांस यानी ले लिए हैं। इन सबको मैंने रात को ही भिगा दिया था और हमने देखा भिगाने के बाद ये जो अमाउंट है, ये जो दाने हैं बहुत फूल गए हैं और जो इसका दाल का अमाउंट था वो डबल हो गया है। और अब इसमें मैं थोड़ा पानी और मिला देती हूँ। अब इसमें और ज़्यादा पानी मिलाकर मैं आपको दिखा रही हूँ दाने किस तरह फूल चुके हैं। 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर पहाड़ी राजमा ले ली है। ये राजमा बहुत जल्दी गल जाती है, इसे भिगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी पानी में 100 ग्राम मैं छिलके वाली हरी मूंग मिला देती हूँ और ये जैविक हरी मूंग है, बहुत जल्दी गल जाती है। इस मूंग को मिलाने से ही ये दाल काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और इस मिक्स दाल को पानी से 6-7 बार मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब धोने के बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में 2 सीटी दूंगी। इस मिक्स दाल को प्रेशर कुकर में डालकर हम पानी का अमाउंट लेंगे। पानी हमें इतना लेना है जिससे हमारी तर्जनी अंगुली आदि इसमें डूब जाए, क्योंकि सारी दालें पकते समय पानी को एब्जॉर्ब करके ही गलेंगी। और ये ध्यान रखिए कि जो गैस की फ्लेम है वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर गैस की फ्लेम ज़्यादा होगी तो सीटी तो जल्दी आ जाएगी लेकिन जो दाल है वो बिल्कुल भी अच्छी तरह गलेगी नहीं। अब एक कटोरे में मैं आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच यानी टेस्ट के हिसाब से आप नमक ले लेंगे। साथ ही आधा चम्मच मैंने धनिया मिला दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन सबको हल्का डिसॉल्व करेंगे ताकि जब हमें इन मसालों को मिलाना है दाल में तब तक ये फूल जाएं और मिलाते समय भी हमें आसानी रहे। सभी मसालों को यहाँ पर मैंने पानी में डिसॉल्व करके रख दिया है और जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसे यूज़ करेंगे। और इस तरह से एक साथ मसाला बनाने में हमें मिक्स करने में आसानी भी होगी। यहाँ देखिए कुकर में एक सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम मैंने बहुत कम रख दी है। अब यहाँ दूसरी सीटी भी आ गई है। अब दाल को ठंडा करके हम इसके तड़के बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने एक बड़ा प्याज और टमाटर साफ करके काट लिया है और टेस्ट के हिसाब से लहसुन भी ले लिया है। 2 सीटी आने के बाद हमने थोड़ा सा कुकर को ठंडा होने दिया। जब उसका प्रेशर पूरी तरह निकल गया तो मैं आपको दिखा सकती हूँ दाल के दाने किस तरह गल चुके हैं। ऐसी ही दाल हमें उत्तराखंडी दाल बनाने के लिए चाहिए। अब इस दाल में हम छौंक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुकर से मैंने सारी दाल एक बड़े बोल में पलट ली है। इस दाल में आप देख सकते हैं जो हमने हरी मूंग मिलाई थी वो अच्छी तरह से गल गई है। उस गली हरी मूंग के कारण ही ये दाल काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब गैस की लो मीडियम फ्लेम पर पैन गरम करने रख दिया है। पैन गरम हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल देंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे और आधा चम्मच हींग भी डालेंगे। जब ये चटकने लग जाएगा तो हमने जो लहसुन की कलियां ली है उसे भी डाल देंगे और साथ ही हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमारा ये जो ओनियन कटा हुआ है प्याज उसको भी हम डाल देंगे। अच्छी तरह से हम उसे सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन का हो जाएगा तब हम उसमें काटे हुए टमाटर के पीसेस डाल देंगे। ध्यान रखिए टमाटर थोड़ा पतला पतला ही यानी छोटा छोटा ही काटिए तो गलने में आसानी रहेगी। अच्छी तरह से इसे हिला लें और जो टमाटर है उसके गलने का इंतजार करें। टमाटर जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो जो हमने मसाले भिगाए हुए थे उसे आप तुरंत डाल दीजिए। इस बोल में अगर मसाला चिपक जाता है तो उसे पानी से धोकर उस पानी को भी आप इस ग्रेवी में डाल सकते हैं।
मसाले डालने की ये प्रक्रिया बहुत झटपट और आसान है, इसे आप ज़रूर अपनाइए। साथ ही इस दाल को एक अच्छा लुक देने के लिए मैं करूँगी कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल। ढाबे वाले जितनी भी दालें बनाते हैं उसमें ये लोग कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालते हैं। एक चम्मच कश्मीरी मिर्च लेकर मैंने इसे पानी में डिसॉल्व कर दिया। इसको भी मैं इस मसाले में मिला देती हूँ और अच्छी तरह से तेल रिलीज होने तक इसका इंतज़ार करूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करिए, करते रहिए और देखिए कि इसमें से जब तेल छोड़ने लग जाए तो आपकी ग्रेवी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम लो मीडियम ही रखें, ना तो बहुत कम हो ना हाई हो। हाई होने पर ये मसाले जल जाएंगे और आपकी ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। यहाँ पर अब मसालों से तेल रिलीज होने लग गया तो मैंने यहाँ पर जो ये उबली हुई दाल थी इसको मैंने डाल दिया और आप देख सकते हैं अभी ये काफ़ी गाढ़ी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला करने के लिए इसमें मैंने 300 ml के करीब पानी मिला दिया है। बहुत ज़्यादा पानी ना मिलाएं, नहीं तो ये दाल बहुत पतली हो जाएगी। इस तरह की उत्तराखंडी जो दाल होती है गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। गाढ़ी करने के लिए ही इसमें मैंने हरी छिलके वाली जैविक मूंग का इस्तेमाल किया था और ये मूंग स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद तो है ही, साथ ही इस प्रकार की दालों को काफ़ी गाढ़ी बनाती है, यानी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी बना के रखती है। हम 15 मिनट में हम देखेंगे इसमें अच्छा बॉईल आने लग गया है। इसे इसी तरह से 5 से 10 मिनट पकने दीजिए ताकि जितनी भी दालें हमने इसमें मिलाई है उसका पूरा निचोड़ इस रस में आए। और इस तरह की ये जो पहाड़ी रस वाली दाल है ये आपको बहुत ही गुणकारी, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट लगेगी। इस दाल को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैंने इस उबली हुई दाल को यानी छौंकी हुई दाल को बड़े बाउल में सर्व करने रख दिया है और इसमें आप खूब बड़े चम्मच से घी भी डालिए और इस दाल का आनंद लीजिए चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ। और इस दाल को तो बच्चे वैसे ही घटाघट पी जाते हैं। उत्तराखंड की ये गहत वाली दाल आपके शरीर के लिए काफ़ी एनर्जेटिक, स्वास्थ्यवर्धक और वरदान साबित होगी। तो दोस्तों इस प्रकार की दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें बहुत अच्छा उबाल आना ज़रूरी है और गलाते समय इसे बहुत ही सिम में यानी बहुत कम आंच में ही 2 सीटी दीजिए और 2 सीटी में ये दाल अच्छी तरह गल जाएगी। और पंचरत्न दाल को अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप बाहर की ढाबे की दाल तो भूल ही जाएंगे और इतनी गुणकारी दाल आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।